नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज जो है हम यहाँ पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं। ये अटेली मंडी ज़िला है और ये अभी जो है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आर हॉस्पिटल में हम यहाँ पर मौजूद हैं। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं दिखाने के लिए लेकर आई हूँ फ़िलहाल की कैसे कैसे चीज़ें हैं, ये हॉस्पिटल प्रॉपर किस तरीके से तैयार हुआ है। लेकिन अंदर जो है एक प्रॉपर जो हॉस्पिटल वाली सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख भी पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी बीमारियों का यहाँ पर इलाज हो रहा है। फ़िलहाल आप मेरे साथ यहाँ पर अंदर आ सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि OPD कहाँ है और कहाँ एडमिट वार्ड है। तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली OPD है इस हॉस्पिटल का और यहाँ पर एडमिट वार्ड है जहाँ पर पेशेंट जो है अगर किसी भी चीज़ से किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो वो यहाँ पर एडमिट होते हैं। और बेसिकली सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपको आपका एक्सरे वगैरह भी होता है, ऑल मेडिसिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है एक्सरे के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। फ़िलहाल जो है ये जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है फ़िलहाल हॉस्पिटल का। और अब जो है आप मेरे साथ लेबोरेटरी में चलिए कि जहाँ पर पूरी जाँच होती है, क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि आपको लेबोरेटरी भी दिखाने वाली हूँ मैं यहाँ पर, ये जो आर हॉस्पिटल का लैब है ये, और फिलहाल जो है अटेली मंडी में ये लैब मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अटेली मंडी कोई बहुत ज़्यादा विकसित जगह नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर हर वो सुविधा मिल जाएगी जो कि एक वेल सेटल्ड और वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल में मिलती है। यहाँ पर ये आप एक रूम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सैंपल कलेक्शन लैब है। आप देख लीजिए हर तरीके की चीज़ें, हर तरीके की सुविधा जो है यहाँ पर दी गई है। अब दूसरी तरफ जो ये रूम है यहाँ पर फ़िलहाल जो है सारी मशीनें उपलब्ध हैं जहाँ पर जाँच की जा रही है, जहाँ पर आपका जो भी सैंपल लिया जाता है उन सभी की जांच की जाती है और हर तरीके की सुविधा, हर बड़ी मशीन यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो है पूरी लैब है, RR हॉस्पिटल की लैब है और यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से सारी चीज़ें जो ट्रीट की जाती है, आपके जो भी प्रॉब्लम है उन्हें उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और फिलहाल अभी जो है कैंसर के ऊपर जैसे बात कर रहे थे तो अभी डायरेक्ट चलते हैं हम डॉक्टर रमेश कुमार जी के पास, कैंसर पर ही बात करेंगे और आज आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिलेगी। आयुर्वेद की खास बात जानते हैं? आयुर्वेद कि अगर आप दवा लेते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं करता है, हमेशा कोई ना कोई शरीर में आपके फ़ायदा ही करेगा। और ये लाइन्स आप मेरे पीछे भी पढ़ पा रहे होंगे। तो आज हम जो है हरियाणा के अटेली मंडी में यहाँ मौजूद हैं, अटेली मंडी में, और ये महेंद्रगढ़ ज़िला है। आज जो मेरे पास खास टॉपिक है वो है कैंसर। भारत जो है वो कुछ ही दिनों में एक कैपिटल बनने वाला है। भारत में हर तीसरे घर में आपको एक कैंसर पेशेंट ज़रूर मिल जाएगा। और आज का जो खास टॉपिक है वो है किडनी कैंसर। आखिर क्या होता है ये किडनी कैंसर, कैसे ट्रीट होता है आयुर्वेदिक तरीके से, ये चीज़ जानने के लिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ RR आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। और अभी मेरे साथ जो हैं वो मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर भी हैं और आयुर्वेदाचार्य हैं, रमेश कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और नमस्ते मैम जी। इसी के साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये किडनी कैंसर जो है, ये तो मैंने शायद पहली बार सुना है कि इस तरीके का भी कोई कैंसर होता है, लेकिन ये क्या होता है और इसको किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं? कैंसर कई प्रकार का होता है, सैकड़ों प्रकार का कैंसर होता है। लंग्स का कैंसर है, एक वीडियो आपने मेरा पहले भी लंग्स का चला होगा जी। आज हम बात कर रहे हैं किडनी के कैंसर पर। किडनी का जो कैंसर है ये, वैसे तो हम सारे कैंसर की दवा गौमूत्र से तैयार करते हैं, औषधियाँ उसमें अलग अलग डली होती हैं, लंग्स के लिए अलग है, सैकड़ों प्रकार के अर्क बनाते हैं, किडनी के लिए अलग है, पैनक्रियाज के लिए अलग है। अभी जो आपके सामने ये दवाइयाँ रखी हैं, औषधियाँ रखी हैं, ये पैनक्रियाज के लिए हैं। अच्छा, वो रखी है सामने जो रखी है वो स्पाइन के लिए है। अच्छा, तो हम किडनी की बात कर रहे हैं आज।
किडनी के कैंसर की। किडनी में जब कैंसर होता है तो पेशेंट को तो दर्द तो उतना ही होता है कहीं भी हो कैंसर, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है जी। तो इसके लिए हम उसको पेशेंट को उसकी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट देखने के बाद में उनको दवाएं दी जाती हैं और पेशेंट 80% मेरे को आज इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो किडनी के कैंसर के बारे में हम बात करें तो किडनी के कैंसर में सबसे पहले कैंसर में किडनी के कैंसर में ध्यान देने वाली बात है कि पेशेंट को बड़ा बहुत ही विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है जी। कम से कम उसको पानी पीना चाहिए मात्र 1 लीटर तक पूरे दिन भर में। अच्छा। घूंट घूंट करके 1 कप से ज़्यादा पानी किसी भी टाइम ना पिए, घूंट घूंट करके पिए। अच्छा। और पानी को कम से कम 5 किलो पानी को अच्छे से उबालें, इतना उबालें कि वो 1.25 लीटर बच जाए, उस पानी का दिन भर में सेवन करें। अच्छा। क्योंकि किडनी जो है वेस्ट को निकाल नहीं पाती, उस पर प्रेशर बनता है अगर हम ऐसा पानी पीते हैं तो। अच्छा। और अगर कोई किडनी पेशेंट है तो उससे पहले बचाव कैसे करना होगा? किडनी पेशेंट को बचाव कैसे करना होगा? हाँ, क्या प्रिकॉशंस वो ले जिससे कि वो किडनी जो उसकी कैंसर हो रहा है किडनी में वो और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में ना पहुंच जाए? पेशेंट के किडनी इतने बढ़ जाते हैं पता नहीं लगता है पेशेंट को और वो ध्यान नहीं दे पाता है कि इतने किडनी बढ़े हुए हैं और इनका सोल्यूशन क्या है। डायलिसिस तक भी अगर चला जाता है पेशेंट कि डायलिसिस होना है या किडनी ट्रांसप्लांट होनी है उसका भी आयुर्वेद में इलाज है। हाँ, धीरे 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 3 से 6 महीने कम से कम 6 महीने लग जाते हैं किडनी के ट्रीटमेंट के लिए, उसका इलाज चलता है, धीरे धीरे पेशेंट क्योर हो जाता है। क्योर हो जाता है लेकिन वो मतलब अगर उसको उसको प्रॉब्लम हो भी रही है कैंसर की तो वो क्या प्रिकॉशंस ले जो बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन ना हो जाए उसके बॉडी का या उसके उसके लिए? तो स्वयं से खुद से देखभाल करनी पड़ेगी, अपने दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा उसको। तो वही दिनचर्या में क्या बदलाव? डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा। आज ये कैंसर जो है इतने व्यापक रूप से जो फैल रहा है ना, इसका मोस्ट कारण विशेष और कारण तो है ही है, पहले के जो कारण है भाई जेनेटिक है या नशे से हो रहा है या रेडिएशन से हो रहा है या किसी केमिकल से हो रहा है, वो कारण तो आज भी है लेकिन आज का जो मेन कारण है वो है हमारा फूड ग्रेन और लाइफस्टाइल। ठीक है। हमारी रसोई जो पहले हम उसको डिस्पेंसरी कहते थे ना, आज उसमें वो डिस्पेंसरी असल में डिस्पेंसरी नहीं रही है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए मतलब दिनचर्या क्या, डाइट क्या फॉलो की जाए वैसे उसको? किडनी के पेशेंट को प्रोटीन वाले पदार्थ जो हैं बिल्कुल सेवन ना करें, बचें उससे जिसमें प्रोटीन हो। कम से कम मात्रा में जो है ये बेलों वाली सब्जियां लें, जमीन से जुड़ी सब्जियां हैं वो ना खाएं, पानी के लिए मैंने बता दिया। खाने में गेहूं का चावल का इस्तेमाल ना करें, मोटा अनाज लें, हो सके तो जो का इस्तेमाल करें खाने में, हल्का खाना लें। तो किडनी के कैंसर के जितने भी पेशेंट आपके पास आए हैं वो कितने परसेंट तक क्योर हो पाए हैं अभी तक? सिर्फ किडनी ही नहीं, हर प्रकार के ल्यूकेमिया तक के कैंसर जो है मेरे को आज 80% रिजल्ट मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि दवाइयाँ मैं खुद बनाता हूँ जी। अपने से हम दवाइयाँ बनाते हैं, हम बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं करते। और जो प्रोसेस होता है औषधियों को किस में कितनी प्रकार की औषधियाँ डालनी होती है सब नाप तोल के तैयार सारी गौमूत्र में होती है। अच्छा। सब औषधियों में पंचगव्य का इस्तेमाल होता है, यानी कि गौ माता के 5 प्रोडक्ट डाले जाते हैं प्लस औषधियाँ होती हैं। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वो पेशेंट को कितना खर्च पड़ जाएगा इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो? 1 महीने की दवा का खर्च 9,000 रुपये है। अच्छा। कोई पेशेंट अगर आ नहीं सकता तो ऑनलाइन मंगवा सकता है, तो उस पर 1200-1500 रुपये कुरियर प्लस पैकिंग चार्ज अलग से लग जाता है। अच्छा। दवाओं का मिनिमम चार्ज 9,000 रुपये है। अच्छा। मिनिमम समझिए या मैक्सिमम समझिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अच्छा, किडनी अगर कैंसर हो रहा है, वैसे तो मैं कैंसर सुनती हूँ कि शरीर में सिर्फ कुछ ही भागों में, तो किडनी कैंसर वाले लोगों के किडनी ख़राब होने के भी तो चांसेस बढ़ जाते होंगे? किडनी ख़राब होने से कैंसर बन जाता है। अच्छा। और किसी किसी भाग में नहीं, कैंसर कहीं भी हो सकता है, किसी भी भाग में हो सकता है। ठीक है। सबके लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं।
सारी औषधियाँ अलग अलग है सबके लिए। तो अगर हाँ, तो कोई अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसे आयुर्वेदिक तरीके से आप कैसे ठीक करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं उन्हें? मैं बता तो रहा हूँ आपको कि कैंसर का कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास जितने भी औषधियाँ हैं वो सब गौमूत्र में तैयार होती हैं। अच्छा, गौमूत्र से हमारा प्रोसेस है, गौमूत्र का अर्क निकालते हैं, बनाते हैं, उसमें औषधियाँ डाल के और उसका अर्क तैयार किया जाता है। तो किडनी के पेशेंट के लिए कौन सा है, ये सामने रखे किडनी के पेशेंट की औषधियाँ हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एडमिट होने का भी कोई वो है, मतलब कि कोई बाहर से आता है तो यहाँ पर कोई रहने का? दूर दराज से पेशेंट अगर कोई आता है जी जी जी, तो वो आराम से यहाँ एक दिन दो दिन रुक सकता है। अच्छा, लेकिन कैंसर पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते। अच्छा, एक महीने की दवाइयाँ देते हैं, घर जाके उनकी देखभाल हम नहीं कर सकते, अटेंडेंट की बहुत ज़रूरत होती है, कैंसर पेशेंट की विशेष देखभाल होती है। अच्छा, तो वो यहाँ नहीं हो सकती, वो अपने घर पे हो सकती है। डाइट प्लान उसका पूरा जो है वो चेंज होना है, दिनचर्या पूरी चेंज होनी है, कब कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है। बना के देते हैं बाकायदा, एक घंटे पौना घंटा तक मैं उसकी काउंसलिंग करता हूँ पेशेंट की, अच्छे से उसको समझाता हूँ। जब उसकी समझ में आ जाती है तभी दवाइयाँ हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। और जो दूर दराज से जो नहीं आ पाते हैं उनको भी हम पर्चा लिख के देते हैं और अपना एक वीडियो भेजते हैं कि कैंसर पेशेंट की दिनचर्या क्या हो। अच्छा, और उसको मैं पहले बोलता हूँ, जब फोन पे मेरे से लाइन पे होता है वो, तो मैं बोलता हूँ कि भाई पहले आप इस वीडियो को देखें, अगर ये दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं तो आप बेशक मेरे पास आ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पर अगर आप पूरा जो रूटीन दिया जाता है उसको फॉलो करते हैं तो आप बेसिकली क्योर होने की तरफ बढ़ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा क्या? सर, आयुर्वेदिक दूसरे पैथियों में ये है कि कहा जाता है कि किडनी अगर आपकी ख़राब है या कैंसर है तो आप पूरे क्योर नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद कोई ऐसा दावा करता है कि आप ठीक हो जाएंगे? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसकी सिचुएशन में पहुँच गया है पेशेंट की, उसको डायलिसिस होना है या किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, अगर वो अपने दिनचर्या फॉलो करता है तरीके से, क्योर हो जाएगा। हाँ जी, अपना डाइट प्लान चेंज करता है और प्लस में आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो क्योर हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन समय लगेगा। डॉक्टर साहब, सिर्फ आखिरी सवाल होगा मेरा ये कि आप जो दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो कूरियर कर रहे हैं, वो दवाइयाँ बनाने का क्या प्रोसेस है और गौमूत्र का इस्तेमाल इसमें कैसे होता है? हाँ, ये प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ कि बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ 6 महीने से 3 महीने से, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ऐसे गौमूत्र इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, उल्टा रिएक्ट भी हो सकता है, नुकसान भी होता है। गौमूत्र का इस्तेमाल करने का बहुत ही एक अहम नज़रिया है कि कैसे किस प्रकार से देसी गाय का गौमूत्र होना चाहिए। अच्छा, देसी गाय समझते हैं, जैसे गिर है, साहिवाल है, राठी है, ये सब देसी गायें हैं। अच्छा, अच्छा। जिसके पीठ पे कुबड़ हो। अच्छा, ठीक है, वो देसी गाय, उसका गौमूत्र हो, गाय बीमार ना हो, 2 साल से कम बच्चा ना हो, 2 साल से कम को कुबड़ नहीं निकलता, क्योंकि उसमें एक सूर्य की नाड़ी होती है उस कुबड़ में, वो जब रेडिएशन के संपर्क में आती है तो एक केमिकल बनाती है, गॉड गिफ्ट है वो, करक्यूमिन। अच्छा, कैंसर को मारने का चूक हथियार है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और भी औषधियों में, अनेकों औषधियों में पाया जाता है, हल्दी में भी पाया जाता है, पुनर्नवा में पाया जाता है, लेकिन ये गौमूत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। गाय प्रेग्नेंट ना हो, प्रेग्नेंट हो गई तो 1.5 महीने तक 45 दिन तक वो किसी काम का नहीं है। ब्याहने वाली ना हो, 45 दिन तक उसमें करक्यूमिन नहीं मिलेगा, ब्याह गई है तो 45 दिन तक नहीं मिलेगा। बीमार नहीं होनी चाहिए, सुबह सुबह का लें, मिट्टी के बर्तन में लें, सूर्य निकलने से पहले का गौमूत्र लें, मिट्टी के बर्तन में लें या कांच के बर्तन में लें, ये तो गौमूत्र कलेक्ट करने का तरीका है। अच्छा, उस गौमूत्र को हम लेंगे, गर्म करेंगे, उसको 8 बार कपड़े की तय करके, सूती कपड़े की तय करके छान के उसको हम पी सकते हैं, वो फ़ायदा करेगा। अच्छा, बाकी हमारा प्रोसेस ये है बनाने का कि हम एक बार में 15 लीटर गौमूत्र लेते हैं, 15 लीटर गौमूत्र को हम भट्टी पे चलाते हैं, बड़े बर्तन में, लोहे के बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, प्लस उसमें जिस प्रकार का हमें अर्क तैयार करना है वो औषधियाँ कूट के, किसी में 3 प्रकार की, किसी में 6 प्रकार की, किसी में 12 प्रकार की, 9 प्रकार की, अलग अलग औषधियाँ हैं, कूट छान के कपड़े में बांध के उसमें छोड़ दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद उस बर्तन को सील कर दिया जाता है, नीचे गैस जल रही है, बर्तन सील है,
साइफन के जरिए पानी के हौद में पाइप जा रहा है, उस पाइप के जरिए वाष्प के जरिए, वाष्प बन के, भाप बन के धीरे धीरे नीचे बर्तन में एक एक बूंद आके, एक एक ड्रॉप आके वो निकलता है। जब वो उबलना शुरू होता है तब उसमें से भाप के जरिए जो अर्क निकलता है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। उसमें अगर 15 लीटर हमने अर्क लिया तो उसमें 3 लीटर अमोनिया, ठीक है, अमोनिया वेस्ट होता है वो, यानी कि पॉइजन होता है एक प्रकार का, वो किसी काम का नहीं होता, वो अमोनिया हमें निकाल के बाहर फेंकना होता है। 3 लीटर अच्छा। अमोनिया निकलता है उसमें। अच्छा। और कम से कम 10 घंटे भट्टी चलती है, 10 घंटे में 3 लीटर जल भी जाएगा गौमूत्र, कुछ औषधियाँ पी लेंगी कुछ जल जाएगा, और 3 लीटर कम से कम स्क्रैप वेस्ट वो पीछे रखना पड़ता है। तो 6 लीटर बा मुश्किल 5.5 या 6 लीटर शुद्ध अर्क तैयार होता है एक प्रकार का। उसको बनाने की कितनी लंबी प्रक्रिया है, कैसे है, फिर उसको समझ लो कि 2 घंटे छानने कूटने में, बांधने में, तैयार करने में भी लगते हैं, और फिर उसके बाद में पैकिंग का, लेवलिंग का, ढक्कन लगाना, बाकी मतलब कुल मिला के 17-18 घंटे काम इसका चलता रहता है। 12 घंटे में एक प्रकार का अर्क बन जाता है, लेकिन हम तो सैकड़ों प्रकार के अर्क बना रहे हैं। आज ये बना रहे हैं, आज दूसरा बना रहे हैं, आज तीसरा बना रहे हैं, तो एक आदमी तो 24 आवर्स ये रोज कुछ ना कुछ इन्वेंट होता रहता है। चलिए, तो अब जो है आप वो प्रोसेस भी देख लीजिए कि किस तरीके से ये सारी औषधियाँ या जो दवाई हैं वो किस तरीके से बनती है। तो अब देखिए क्लिप। ये कैंसर की दवाई तैयार करते हुए इसमें अर्क तैयार करते हैं। ये अर्क बनाने की मशीन है। इसमें क्या होता है कि गौमूत्र डालते हैं और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ होती है, आयुर्वेदिक औषधियाँ वो डालते हैं, और उनको जैसे नीचे भट्टी चल रही है और जैसे ये उबलेगी तो उसकी वाष्प बन करके इस पाइप के थ्रू आता है और इस ड्रम में जो ठंडा हो करके और यहाँ पर ये बूंद बूंद रूप में कलेक्ट होना शुरू होता है। ये होता है अर्क। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के हम 100 प्रकार के अर्क हैं वो तैयार करते हैं।